সাবস্ক্রাইব করুন কেএন নিউজ টিভি চ্যানেল আর নিত্য নতুন খবর পেতে বেল আইকনটি প্রেস করুন। এখন থেকে আপনার প্রিয় চ্যানেল কেএন নিউজ কে টিভিতে দেখতে পাবেন জিটিপিএল 31 মেঘবেলা 92 এমআরএমপিএল 13 নাম্বার চ্যানেলে প্রতিদিন দুপুর 12:45 থেকে। পশ্চিমবঙ্গে সনাতন ধর্ম রক্ষা সেনার পক্ষ থেকে সংগঠনের চেয়ারম্যান শচীন ত্রিপাঠীর নেতৃত্বে উত্তরপ্রদেশের হাসরথে দলিত কন্যা মনীষা বাল্মীকির স্মৃতির উদ্দেশ্যে মোমবাতি জ্বালিয়ে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করা হয়। তার সাথে মৌন মিছিলের আয়োজন করা হয়। এই মৌন মিছিল বড়বাজারে লেবুতলা শুরু করে কালাকা স্ট্রিট হয়ে মালাপাড়া গিয়ে সমাপ্ত হয়। এই মৌন মিছিলে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন বিধায়ক সঞ্জয় বক্সী, সনাতন ধর্ম রক্ষার সেনা পশ্চিমবঙ্গের চেয়ারম্যান শচীন ত্রিপাঠী, সভাপতি বাগেশ মিশ্রা সহ সভাপতি পবন শর্মা, দেবেন্দ্র সিং, সুশীল কুঠারি, মনোজ জৈন, নরেশ লাঠা, সন্দীপ সিং, রঘুনাথ আগরওয়াল, সর্বশ ঠাকুর, মতি সোনকার, গোপী চক্রবর্তী সহ অন্যান্যরা। পশ্চিমবঙ্গ সনাতন ধর্ম রক্ষা সেনাকে উৎসে মোমবাতি মিছিল কে আয়োজন কিয়া গিয়া। হাতকাস মে জো ঘটনা ঘটি হ্যায় সবসে পহলে হম লোক ইয়া পর শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পিত করিয়ে হম সবকে মোমবাতি জ্বালা করকে ইয়ে মৌন জুলুস কা শুরুয়াত কর রহে হ্যায়। হম লোক কা বিশ্বাস হ্যায় ইসি তরিকা সে হম লোক जो घटना घटी है उसका लिए कठोर सजा मिलेगा जो लोग ऐसा किया है, और जिसका ऊपर में इस तरीके से घटना घटी है उसका आत्मा की शांति कमाने के लिए हम लोग ये मोमबत्ती का जुलूस निकाल रहे हैं। यहाँ से हम लोग को आज सीबीआई और कोई जज कमेटी कुछ भी बनाए सजा होना चाहिए, सब चाहता है सजा हो। और कोई अगर हथकड़ी कर ले अपना बोल दिया तो कमेटी तदन कमेटी गठन कर दिया गया, उप सीबीआई कर दिया, ये कर दिया, करने के बाद में अगर कुछ नहीं हो तो खराब है। हम लोग चाहते हैं सजा हो, सरकार इस तरीका से माँ बहन का इज्जत को रुकने नहीं दे। बेटी के साथ जो गलत किया गया, रेप किया गया, उसके प्रतिवाद में पश्चिम बंगाल सनातन धर्म सेना के नेतृत्व में इस कार्यक्रम को किया जा रहा है। और इसका नेतृत्व पवन शर्मा, हमारे भाई देवेंद्र सिंह, बागेश मिश्रा, मणि प्रसाद सिंह, रघुनाथ भैया, संदीप सिंह, रीता लाटा, सुनीता नाटा और बहुत से कार्यकर्ता हैं जो सनातन धर्म के जो पदाधिकारी हैं जिनके नेतृत्व बंगाल में इसका आगाज हो चुका है। मोदी का नाम का और जोगी का नाम का, ये दोनों देश को बेच रहे हैं और देश में हमारी मात्र हमारी जो माताएं बहनें हैं वो सुरक्षित नहीं है। इसलिए हमारा नारा है मोदी और योगी दूर है। मांग क्या है? मांग है कि जल्द से जल्द सीबीआई इंक्वायरी की जाए और जो जो दोषियों को कठोर से कठोर सजा दिया जाए, जो कि इस तरह का दोबारा नहीं है। हमारे बीच में उपस्थित है हम सबके प्रिय नेता एवं पूर्व विधायक माननीय श्री संजय जी बख्शी सहित पूरे सनातन धर्म की पूरी टीम हमारे साथ उपस्थित है। मैं अब कुछ ही क्षणों में हम ये मोमबत्ती जुलूस मौन जुलूस लेकर के हम मालापाड़ा की ओर हम सबके प्रिय नेता एवं पूर्व विधायक संजय बख्शी के नेतृत्व में हम निकलेंगे। पश्चिम बंगाल सनातन धर्म आज कलाकार शिव से संगम स्थल से आज हमने वहाँ पे शुरुआत करके हमारे पश्चिम बंगाल सनातन धर्म के चेयरमैन सचिन त्रिपाठी सहित सभी हमारे सनातन धर्म के दीपक माली से लेकर के बागेश मिश्रा, देवेंद्र सिंह, मनोज जैन, रघुनाथ समाज सेवी रघुनाथ अग्रवाल, नारी शक्ति चाहे रीता लटाओ
चाहे नीलम कौर हो, चाहे सभी हो, सभी सरला झड़िया से लेकर सभी की सभी एक साथ आज रस्ता में हम सनातन धर्म के बैनर तले सचिन त्रिपाठी चेयरमैन, अध्यक्ष है बागेश मिश्रा, देवेंद्र सिंह उपाध्यक्ष है, मनोज जैन है, रघुनाथ अग्रवाल है, हम सबके अभिभावक मणिप्रसाद जी सिंह है, सभी एक साथ आज हम लोग यहाँ रस्ता में उतर करके योगी और मोदी को ये बताने के लिए उतरे हैं नारी शक्ति के साथ में कि आइए देख कर चले जाइए आपके यूपी के अंदर में। अगर इसे न्याय सांकेतिक आंदोलन था, हर एक आगाम करने का आंदोलन था, ये आंदोलन बहुत बेहतर रूप मिलेगा आने वाले दिन में अगर हमारी वो हथरस की बेटी को न्याय नहीं मिलता है। हमारे जो उपस्थित हुए थे संसद के प्रिय नेता पूर्व विधायक संजय जी बख्शी, उन्होंने हमारे इस कर्म स्थिति को आधार करके शुरुआत करके उनके अनेक कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में निकल गए। धन्यवाद। लेकिन दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जो कांड हो रहा है, योगी जी के नेतृत्व में मैं कहूँगा जो कांड हो रहा है, जिस तरह से लोगों को इनकाउंटर कराते हैं, जिस तरह से महिलाओं के ऊपर रेप होता है और चुपचाप आंख बंद करके जवान बन करके बैठे हुए हैं, हम लोग आज इसको छोटे स्तर पर आज लिए हैं और सिर्फ इंडिकेशन दे रहे हैं कि आप जल्दी से जल्दी इसका इंक्वायरी कराओ, इंक्वायरी कराकर जो दोषी है उसका उचित सजा दो। मैं पूछता हूँ उत्तर प्रदेश की सरकार से, मैं पूछता हूँ योगी के मुख्यमंत्री काल को क्या कमी थी, ऐसा कौन सा बात था कि आप उन चारों दरिंदों को जब ये घटना घटी उसके तुरंत बाद गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया और जब उनकी मृत्यु हुई वो तुरंत गिरफ्तार उनको कर लिया गया। आज इस प्रकार देश के अंदर में हत्याएं हो रही है, रेप कांड हो रहे हैं, विशेष करके उत्तर प्रदेश के अंदर में बाहुबलियों को इसलिए मार दिया जाता है, रेन काउंटर कर दिया जाता है कि कहीं बीजेपी का कोई नुमाइंदा उनके सामने ना आ जाए, पब्लिक के बीच में ना आ जाए। ये सारी घटनाएं उत्तर प्रदेश में ही क्यों हो रही है, बाकी हिंदुस्तान में क्या राज्य नहीं है? और रही बात सीबीआई की, सीबीआई तो मोदी की कठपुतली है, मोदी जो चाहेंगे वही सीबीआई बोलेगी। कि सुप्रीम कोर्ट के जज से ये पेशी कराई जाए और जो चारों दंडित व्यक्ति है उन्हें फांसी की सजा दी जाए। हमारा यही मांग है कि हमारी बेटी को जो अन्याय हुआ है हमारी बेटी के साथ, उसका हम लोग को इंसाफ चाहिए। मोदी सरकार से ये पूछना है कि 56 इंच का जो सीना दिखाते थे वो उनका सीना कहाँ चला गया, और उनके साथ जो सुनीति नानी रहती थी हमारे देश पर चूड़ियाँ दिखाती थी, आज वो मोदी सरकार को क्यों नहीं दिखाती है? उनको दिखाना चाहिए, उनको देश के सामने आना चाहिए। उनकी जितनी भी महिलाएं हैं सब छुपी हुई हैं, कहाँ हैं वो? हमारे देश की बेटी के साथ जो अत्याचार हो रहा है हमको इंसाफ चाहिए। हम लोग यूपी में जो महिला के साथ बलात्कार, जो लड़की के साथ भारत की बेटी जिसके साथ अत्याचार के खिलाफ में आज हम लोग पश्चिम बंगाल सनातन धर्म रक्षा सेना की ओर से आज उनके प्रतिवाद में हम लोग रोड पर उतरे हैं और इसके माध्यम से आज हम लोग योगी सरकार को जगाना चाहते हैं कि आप जिस बेटी के साथ अत्याचार हुआ, जिसकी आप रात को अंधेरे में जिसका बॉडी जला दिया गया, उसका इंसाफ के लिए हम लोग ऐसे सनातन धर्म रक्षा सेना हर राज्य में, हर देश के कोने कोने, हर राज्य से उभर के सामने आएगी और योगी सरकार से जवाब मांगेगी।